हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया क्लास 9 दिस इज द चैप्टर नंबर 2 एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द हेडिंग द इंडियन डेजर्ट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट फर्स्टली वी सी दिस इज द इन अ मैप ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट मेनली फाउंड इन राजस्थान partly Gujarat and some part of Pakistan and other areas. So let's we start discuss about the Great Indian Desert. The Great Indian Desert lie toward the western margins of the Aravalli Hills. It is in a undulating sandy plains covered with the sand dunes. Students, this is the sand dunes and you can look here. Here very low rainfall approx 150 millimeters per year. तो बेटा आपने देखा कि sand dunes यहाँ पर पाए जाते हैं, हमने इमेज में दिखाया, और यहाँ पर सबसे कम बारिश होती है. अब इसकी वजह से क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो क्लाइमेट होगा वो हॉट होगा, एरिड होगा, रेन में सूखा क्लाइमेट होगा एंड लो वेजिटेशन. जब बारिश ही नहीं होगी तो यहाँ पर जो पेड़ पौधे या जो भी वनस्पतियाँ होंगी वो क्या होंगी बेटा, लो मात्रा में होंगी, कम होंगी. स्टीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन. और यहाँ पर पानी की धाराएँ कब दिखाई पड़ती हैं, केवल बारिश के मौसम पर बस, और यहाँ पर जल्दी बारिश होती ही नहीं है. और यहाँ की जो सबसे बड़ी रिवर है वो है लूनी, इज द लार्ज रिवर इन दिस रीजन. तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि इन विच एरिया द लूनी रिवर इज फाउंड या इन विच स्टेट, तो आंसर योर राजस्थान. ठीक है ना, आइए देखते हैं मैप में है कहाँ पर ये लूनी रिवर. स्टूडेंट्स यू कैन सी इन दिस इमेज, दिस इज द लूनी रिवर एंड इट इज फाउंड इन राजस्थान. बेटा यहाँ से निकलती है और जाकर के यहाँ गुजरात में रण ऑफ कच्छ में ये गायब हो जाती है. क्यों? क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है और यहाँ पर दलदली इलाका होता है, जिसकी धाराएं यहाँ पर डिसअपियर हो जाती हैं. बर्चन्स कवर लार्जर एरिया बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकेम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री. इफ़ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी अ ग्रुप ऑफ बर्चन्स. तो बेटा अभी हमने सैंड ड्यून्स दिखाया, ठीक है ना, उन्हीं को बर्चन्स भी बोलते हैं. तो ये आपने देखा भी डिजर्ट का पार्ट. अब हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं द कोस्टल प्लेन्स. द पेनिनसुला प्लेटू इज अ फ्लैंक विद अ स्ट्रेच ऑफ अ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट. ठीक है ना, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, अरेबियन सी से स्टार्ट होता है बेटा और बे ऑफ बंगाल तक कोस्टल प्लेन पाया जाता है. स्टूडेंट्स दिस इज द मैप ऑफ इंडिया. बेटा यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो और ये बेटा कोस्टल प्लेन है, ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया, क्योंकि ये कोस्टल एरिया है. ठीक है ना, तो ये जो इधर थोड़ा थोड़ा आप इधर देख रहे हैं ये इमेज में, ये इतना एरिया बेटा क्या है, प्लेन एरिया होता है. ठीक है ना, तो इसको बोला गया कोस्टल प्लेन. अब हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे बेटा इसी के बारे में डिस्कस करेंगे अभी. द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी इज अ नैरो प्लेन्स. इट कंसिस्ट ऑफ द थ्री सेक्शंस. द नदर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण, मीन्स मुंबई टू गोवा. तो बेटा अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है क्या, नदर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण कोस्ट. यहाँ से पूछ सकते हैं कि विच अ कोंकण पास कोस्ट लाई बिटवीन, कोंकण कोस्ट जो है पाया जाता है. तो आपका आंसर होगा बिटवीन द मुंबई एंड गोवा. द सेंट्रल स्ट्रेच कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन्स एंड द सदर्न स्ट्रेच इज कॉल द मालाबार कोस्ट. हम इसको देखते हैं इसका डिवाइडेशन कहाँ से कहाँ पर हुआ है. और द प्लेन अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड द लेबल द नदर्न पार्ट इज रिफर टू द नदर्न सरकार वाइल द सदर्न पार्ट इज नोन एज द कोरोमंडल कास्ट. तो अक्सर कई बार मैप में आता है कि सो द कोरोमंडल कास्ट आर द नदर्न सरकार, है ना. तो ये सब चीज़ें आपको अभी दिखाएंगे हम मैप में बेटा, आप अपने ध्यान में रख लीजिएगा या मैप में इसको टिक कर लीजिएगा. लार्ज रिवर सच एज द महानदी, गोदावरी एंड द कृष्णा एंड द कावेरी हैव द फॉर्म एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट.
लेक चिल्का इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कास्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेटा तो ईस्टर्न कास्ट पर लेक चिल्का है जो कि ओडिशा में पाई जाती है बेटा। वो क्यों फेमस है? क्योंकि वहाँ पर जो है बेटा लार्ज क्वांटिटी में साल प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये डू यू नो से आपको सपोर्ट मिलेगा। स्टूडेंट्स हियर यू कैन बेटर अंडरस्टैंड, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया एंड फ्रॉम मुंबई टू गोवा दिस इज द कोंकण कास्ट, देन कन्नड़ कास्ट एंड लास्ट इज द मालाबार कास्ट। बेटा जो मैप में आएगा वो ये शो करने के लिए आता है सो द मालाबार कास्ट, ठीक है। तो आपको बेटा कर्नाटक से केरला तक दिखाना है मालाबार कास्ट को, गोवा से फिर बेटा कर्नाटक तक आपके कन्नड़ होगा, और फिर गोवा से मुंबई तक आपका क्या होगा बेटा कोंकण कास्ट होगा। ऐसे यहाँ पर होगा नदरन सरकार, ठीक है। तो नदरन सरकार बेटा आपका यहाँ से यहाँ तक मान जाएगा, फिर इधर से हो जाएगा इतना कोरोमंडल कास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। स्टूडेंट्स हियर इज द ओडिशा एंड हियर इज द चिल्का लेक, यू कैन सी दिस इज द चिल्का लेक। Now students, we discuss the islands. You have already seen that India has a vast mainland. Beside this, the country has two groups of island. Can you identify islands group? Yes, we can identify. Here are the two groups of island. First is the Lakshadweep and second is the Andaman and Nicobar. स्टूडेंट्स वन क्वेश्चन रेज इन योर माइंड, व्हाट इज एन आइलैंड्स? आइलैंड्स आर लैंड विच इज सराउंडेड बाय द वाटर इन फोर साइड्स, मीन्स ऑल साइड्स। आइलैंड बेटा वो एरिया होता है, वो लैंड पार्ट होता है जो चारों तरफ से वाटर से घिरा होता है, ठीक है ना, उसको हम आइलैंड्स बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिए अपने, क्योंकि जैसे हमने अभी आपको लक्षद्वीप दिखाया था बेटा, तो उसके चारों ओर ओशियन था, और ऐसे ही अंडमान निकोबार में था। Locate the Lakshadweep Island group lying close to the Malabar coast of the Kerala. This group of island is composed of the small coral islands. तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली बात है बेटा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है which island group formed by the coral islands या coral groups। Your answer is Lakshadweep। Coral वो होते हैं बेटा जो आपने देखा होगा ओशियन में बहुत पहले सजीव में थे, फिर वो मर जाते हैं, तो उनकी है ना वो एक सतह बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं कोरल आइलैंड्स। स्टूडेंट्स दिस इज द इमेज ऑफ कोरल्स। अर्लियर दे वर नोन बाय द लक्षद्वीप मिनिकॉय एंड द अमनदीव। इन 1973 दीज वर नेम द लक्षद्वीप, मीन्स थ्री मेन थे बेटा, मिनिकॉय था, अमनदीव था और लक्षद्वीप था। इन सभी को मिला करके एक बना दिया गया मेन जिसका नाम रखा गया लक्षद्वीप। इट कवर्स अ स्मॉल एरिया अबाउट 32 स्क्वायर किलोमीटर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कवरत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। हमें कह सकते हैं बेटा कवरत्ती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, ठीक है ना। This island groups has great diversity of the flora and fauna. The Pitti Islands, which is inhabited, has the bird sanctuary. तो Pitti Islands बेटा कहाँ पर है? ये लक्षद्वीप में है, जहाँ पर एक bird sanctuary है। Now you see the elongate chain of the islands in the Bay of Bengal. This is known as the Andaman and Nicobar Islands. तो आपने देखा ही था बेटा, दे आर बिगर इन द साइज एंड द मोर न्यूमरस एंड द स्कैटर्ड। द इंटायर ग्रुप ऑफ द आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, द अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ। मीन्स ऊपर की तरफ जो है बेटा, जैसे सपोज करो ये अंडमान और निकोबार का एरिया हमने बना दिया बेटा, तो इसमें यहाँ से ऊपर का जो ये है अंडमान है, और इधर का क्या है बेटा निकोबार है,
द अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ इज बिलीव दैट दीज आइलैंड्स आर द एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द सबमरीन माउंटेन्स. दीज आइलैंड ग्रुप आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द कंट्री. देखिए ये जो आइलैंड्स बने हैं बेटा, ये सपोज को जैसे मान लो जी ये है ओशियन का एरिया, ठीक है ना. तो आपको पता होगा कि ओशियन के अंदर भी बेटा माउंटेन होते हैं, ठीक है ना. तो हुआ कभी कभी क्या, जैसे वोल्केनिक इरप्शन इसके अंदर होने लगा, तो धीरे 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 क्या हुआ, इस पर मिट्टी आके जम गई और यहाँ पर फिर क्या हुआ बेटा, ये ओशियन से ऊपर आ गया, तो एक आइलैंड ये बन गया. फिर ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स ग्रुप बनते चले गए छोटे छोटे, ठीक है ना. और उनकी मिट्टी क्या हो गई बेटा, सब ऊपर आती चली गई, तो इस तरह ओशियन के ऊपर वो दिखने लगे. जब दिखने लगे तो वो आइलैंड्स बोले जाने लगे, और उन्हीं ग्रुप ऑफ आइलैंड को बोला गया बेटा क्या, अंडमान एंड निकोबार. दीज आर अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ द फ्लोरा एंड फौना इन द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स टू. दीज आइलैंड लाई क्लोज टू द इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज थिक फॉरेस्ट कवर. तो चूंकि नज़दीक है इक्वेटर के बेटा, तो यहाँ पर थिक क्लाइमेट वेजिटेशन पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है. इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो फाउंड इन द बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड. तो भारत का एक एक्टिव वोल्केनो है जिसका नाम है, जो पाया जाता है बैरन आइलैंड में. आर डिटेल्स अमाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट हाईलाइट्स दीज यूनिक फीचर ऑफ द ईच रीजन्स. इट वुड हाउएवर बी क्लियर दैट रीजन्स कॉम्प्लीमेंट्स द अदर मार्क मेक्स द कंट्री रिचर इन द इट्स नेचुरल रिसोर्सेज. स्टूडेंट्स बेटा अभी इसमें कुछ खास नहीं है, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, बेटा तो आपका इधर कंप्लीट हो गया जो भी कुछ था. और स्टूडेंट्स आपका बेटा लेसन कंप्लीट हुआ, इधर चार क्वेश्चन है बेटा, इनको हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं. अलाइन मास बाउंडेड बाय द सी ऑन द थ्री साइड इज रिफर्ड टू एज द पेनिनसुला. जो तीन तरफ से बना बंद होता है, ठीक है ना, वो वाटर से, तो उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं. आप इधर भी देखिए अरेबियन सी है, इधर इंडियन ओशन और इधर बे ऑफ बंगाल. तो ये इतना एरिया भारत का क्या बोला जाता है बेटा, पेनिनसुला रीजन. नेक्स्ट है माउंटेन रेंज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया फॉर्मिंग द बाउंड्री विद म्यांमार कलेक्टिवली नोन एज द पूर्वांचल. द वेस्टर्न कोस्टल ट्रिप साउथ टू गोवा इज नोन एज द कन्नड. एंड लास्ट इज द हाइएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट महेंद्रगिरी. सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको बेटा ये हमारा लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा बेटा. प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू स्टूडेंट्स.